अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान। जब तक चलेगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंदर मन से, कहीं आप मेहता का आभा मिलेगा, कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा, नाराजगियों का आभा मिलेगा, कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ, कहीं भावनाओं में दुर्भाग्य मिलेगा, कहीं बनेंगे पराये रिश्ते भी अपने तो कहीं अपनों से खिंचाव मिलेगा, कहीं होगी खुशामंदी चेहरे पर तो कोई पीठ पर बुराई का घाव मिलेगा, चल रही अपने कर्म पथ पे तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा, रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श तू, रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श तू, अवश्य जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। शुक्रिया उन लोगों का जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। शुक्रिया उन लोगों का जो मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा दिल बड़ा कर दिया। शुक्रिया उन लोगों का जो मेरे लिए परेशान हुए और मुझे बताया कि मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे अपना बनाकर छोड़ दिया और एहसास दिलाया कि दुनिया में हर चीज़ आखिरी नहीं। शुक्रिया उन लोगों का जो मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए और मुझे ऐसा बना दिया जो मैंने सोचा भी नहीं था। शुक्रिया सबसे ज़्यादा मेरे रब का, जिसने हालात का सामना करने की हिम्मत दी। एक बार एक गांव में आग लगी, अरे गांव के लोग आग बुझाने दौड़े। एक नन्ही सी चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भरती और लाकर आग पर डाल। एक कौवा ये सब तमाशा देख रहा था, उसे चिड़िया पर हंसी आ गई। उसने चिड़िया से कहा, तुम्हारे बुझाने से आग कम नहीं होगी, तुम्हारी कोशिश बेकार है, ये फालतू की कोशिश बंद करो। चिड़िया बोली, मुझे पता है मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग की चर्चा होगी मेरा नाम आग बुझाने वालों में और तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में गिना जाएगा। आज हमारे समाज में कौवा जैसी प्रकृति के लोग अधिक हैं, जो हर बात का बस दूर से तमाशा देखते हैं या किसी चिड़िया की कोशिशों को व्यर्थ करने में जुटे होते हैं। खुद को चिड़िया की तरह बनाए, ना कि कौवे की तरह। कभी किसी के सामने अपनी सच्चाई निस्मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं है वह मानेगा नहीं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह जहर है, और ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वह अमृत है। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, किस्मत में जो लिखा होता है उतना ही अदा होता है। ना डर रे मन दुनिया से, या किसी के चाहने से नहीं किसी का बुरा होता है, मिलता है वही जो हमने बोया होता है, कर पुकार उस प्रभु के आगे जो सब कुछ उसी के बस में होता है। जब भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को इतना बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो, सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है। भगवान ने कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता कुर्ता का अनुपात बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में अंदर। जिंदगी से जो लम्हा मिले उसे चुरा लो, जिंदगी प्यार से अपनी सजा लो। जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी तो कभी खुद हंसो, कभी दूसरों को हंसा लो। दौलत में अगर दम होता तो मैं भगवान को भी खरीद लेता, दे देता लिस्ट सोने के जेवर, मौत भी खरीद लेता, लुटा देता हीरे मोती का खजाना, रूह को अलविदा ना कहने देता, चांदी का पानी शरीर पर चढ़ा लेता, मगर यौवन कभी मिटने ना देता। मगर क्या करूं खुदा मेरे, दौलत तो कमाई जाती है दुनिया में, मगर सांसों की दुनिया में दुकान बिकती नहीं, और ले जाएं दौलत साथ में वह रूह कभी होती नहीं। प्रेम से प्यारा ईश्वर को कुछ प्यारा नहीं, मगर क्या करूं प्रेम कोई करता नहीं। एक दिन हम जुदा हो जाएंगे, न जाने हम कहां खो जाएंगे, तुम लाख पुकारोगे हमको, हम लौट कर ना आएंगे।
थक हार कर दिन के कामों से जब रात को सोने जाओगे, जब देखोगे अपने फ़ोन को पैगाम मेरा ना पाओगे, तब याद हम तुम्हें आएंगे पर लौट के ना आ पाएंगे। एक रोज़ ये रिश्ता छूटेगा, फिर कोई ना हमसे रूठेगा, पर हम ना आंखें खोलेंगे ना तुमसे कभी ना बोलेंगे। आखिर उस दिन तुम रो दोगे जब दोस्त मुझे तुम खो दोगे। सोने की लंका पुष्प विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो बनवासी देखा ना, राजपाट तो कंस के पास था ना, जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था, राजमहल में कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है, जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। मैं खुश हूँ कि कोई मेरी बात तो करता है, बुरा कहता है तो क्या हुआ, कोई याद तो करता है। कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, बस एक चोट की दरकार है, उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके आप मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं, ताकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहूं। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।